शिक्षा मित्र हो चाहे अनुदेशक हो, दोनों के मामले में कोर्ट के आदेशों को लेकर सरकार का दोहरा रवैया रहा है। यहां शिक्षा मित्र का कोर्ट से आदेश हुआ तो तुरंत फुरत लागू हो गया, वहीं अनुदेशकों के आदेश को लेकर सरकार डबल बेंच चली गई। डबल बेंच में इनका आदेश पेंडिंग में है, इनका केस रिजर्व कर लिया गया है और रिजर्व केस का फैसला 90 दिन के भीतर कोर्ट को करना होता है। समस्या अब ये खड़ी है कि दोहरा रवैया क्यों। शिक्षा मित्र का आदेश कोर्ट ने जारी किया कि इन्हें आप समुचित एजुकेशन के तहत आप इन्हें पद पर बनाए रख सकते हैं, जो आपकी योग्यता को फिलफिल करते हैं उन्हें पद पर बनाए रख सकते हैं, जबकि इसको लेकर आदेश बड़ा भ्रमित है। जो आदेश मुझे आज मिला, मैंने पढ़ा, उस आदेश के मुताबिक बड़ी असमंजस की स्थिति है। सरकार ने कौन से आदेश माने, कौन से आदेशों में शिक्षा मित्रों को न्याय नहीं मिला, कौन से आदेशों में अनुदेशक को न्याय नहीं मिला। अगर न्याय मिल भी जाए, कोर्ट दे भी दे, तो सरकार कहां देने को राजी है। कहने को बहुत बातें हैं। हमारे साथ आदरणीय प्रोफेसर संदीप पांडे जी, जो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और सीधा सा उनसे सवाल कर लेता हूं। पहले तो उनसे हालचाल ले लेता हूं। पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो सकुशल हैं और IMA अहमदाबाद में इस समय आप हैं, तो सारा सब कुछ ठीक है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि कोर्ट दोहरा रवैया क्यों अपनाता है। शिक्षा मित्रों के मामले में जो निर्णय आया तो सरकार ने उसी दिन स्वीकार कर लिया, शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक से शिक्षा मित्र कर दिया, और अनुदेशक का जब आदेश आया तो उसे आज तक स्वीकार नहीं किया, डबल बेंच चली गई। कोर्ट में आदेश, हालांकि वो रिजर्व हो चुका है, कोर्ट फिर न्याय करेगा, लेकिन उस न्याय से भी न्याय मिलेगा ये कैसे कहा जाए। जी नमस्कार शिव कुमार जी, मेरे साथ अश्विनी मिश्रा जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। तो ये जो है, पहले तो बता दूं कि गुजरात में मैं हूँ इस समय। हमने पिछले हफ्ते कोशिश की बिल्किस बानो के गांव रंधिकपुर से एक पदयात्रा निकालने की अहमदाबाद तक, और हम कोई सरकार से तो हमारी कोई अपेक्षा ही नहीं है यहाँ, क्योंकि जिन 11 बलात्कारियों और हत्यारों को छोड़ा गया है उसके बारे में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कहना है कि उसमें से कुछ संस्कारी ब्राह्मण है इसलिए उनको छोड़ा गया। क्या आप संस्कारी ब्राह्मण नहीं हो, जो आपको गिरफ्तार किया गया है उसी मसले पे कहीं संस्कार नहीं है आप पे? क्या आप संस्कारी ब्राह्मण नहीं हो, क्या कहना चाहते हो आप, पहले तो हमें ये बता दो। अरे भैया मैं तो नास्तिक हूँ, लेकिन श्वेता भट्ट पूछती हैं कि उनके पति जेल में है संजीव भट्ट, तो वो कह रही थी कि मेरा पति भी संस्कारी ब्राह्मण है, उसको क्यों नहीं।